तरीके पता लग सके बच्ची क्यों होती है, कौन है पता किस तरीके। पापा की याद आ रही है, पापा पापा की याद आ रही है। साडा मुख मंतव्य है कि असी इहो जे बच्चियां नूं केयर एंड प्रोटेक्शन जिहड़ी आ प्रोवाइड करनी है। अपने चार बच्चे, दो लड़के और दो लड़कियां नूं शिवाला भाइयां दे कोल बाहर छड़ के चली गई। बीते दिन देहरादून दी पुलिस 7 साल दी बच्ची नूं लै के अमृतसर बाल विकास कमेटी कोल पुजी। उन्हां दस्या कि लड़की सानूं लावारिस हालात विच मिली। जदों असीं इस कोलों पुछगिछ कीती ते इसने अपना नाम जोआ दस्या ते कहा मैं अमृतसर दरबार साहिब दी रहण वाली हाँ, जिसके चलते देहरादून की पुलिस इसनों अमृतसर लै आई। देहरादून की महिला पुलिस अधिकारी का कहना सी कि सानू कहा गया सी कि इस लड़की नू अमृतसर बाल विकास कमेटी नू सौंपण में कहा गया सी। असी ये बच्ची इन्हां दे हवाले कर चले हाँ। उत्थे ही बाल विकास कमेटी के आगुआ ने गलबात करदिया कहा कि यह बच्ची देहरादून की पुलिस साढ़े को लैके पुजी है। असी इस बच्ची के बारे मीडिया राही ते खबरां विच अखबारों में इसका इश्तहार देकर इसके परिवार की भाल करांगे। जेकर इसका परिवार नहीं मिलिया तो असी जलंधर होम चाइल्ड केयर सेंटर विच भेज देवांगे। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। बड़े, क्या नाम है आपका? जोया। कहाँ का रहने वाले? दरबार साहब। वहाँ देहरादून कैसे पहुँचे थे आप? घूम रही थी। अच्छा अच्छा, घूमते घूमते पहुँच गए। और अब कहाँ पर आए हैं? आप अब कहाँ पर आए हैं? इधर सामने देखो बेटा। आपके पापा का क्या नाम है? सोडू। मामा का क्या नाम है? तुलसी। कहाँ पे रहते थे आप? दरबार साहब में गए थे गोल्डन टेम्पल में कभी? कब गए थे? कितनी बार गए थे? खाना खाने गए थे वहाँ? कब गए थे? अच्छा, देहरादून में आपको कौन छोड़ के आया? देहरादून में कौन छोड़ के गया था? दीदी जो छोड़ के गए थे। क्या बोला? दीदी छोड़ के चले गए, बाद में पूछा नहीं आपको? तो अब आप अपने घर जाना चाहते हो? पापा की याद आ रही है? पापा पापा की याद आ रही है? बस ये थी जी मैम। हाँ जी मैडम, अपना नाम बता कर कहाँ से आए? आपका नाम पापा, देहरादून से। क्या सारा मामला, जो बच्ची मिली आपको वहाँ से लेकर आए? भैया हमारी तो भैया हम देहरादून से आए हैं, हमारी तो थानों से ड्यूटी लगाई गई है। हमें ये नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें तो बोला उन्होंने पुलिस लाइन वालों ने कि बाल कल्याण में जाना है। मैडम ने हमको बच्ची को दिया कि इसको अमृतसर लेके जाना है आप लोगों को। ये बच्ची कहाँ से और किन हालातों में मिली? ये तो भैया उन्होंने हमें दी है, ये पता है कि ये लड़की बोल रही है कि मुझे किसी दीदी ने छोड़ा है वहाँ, तो हम इसको इसने जैसे पता बताया हम यहाँ पे लेके आ गए, नहीं तो छोड़ने को तो हम इसको कहीं भी छोड़ देते जहाँ ही बताती। अच्छा, आपने बच्ची से बात की है, बच्ची क्या क्या बोलती है? अम्मी सर बोली है स्पेशल तौर पर? हमने पूछा है इसको, ये बता रही थी कि मुझे दीदी ने छोड़ा है और दरबार साहिब की रहने वाली हूँ मैं, यहाँ अमृतसर की। हाँ अच्छा, तो आपने कॉन्टैक्ट किया था पहले यहाँ पे सीधी आ गई? भैया मैडम ने किया था कॉन्टैक्ट ना यहाँ पे, तो हमने कॉन्टैक्ट तो नहीं किया है, मैडम ने किया था। मैडम ने बोला था बाल कल्याण में जाना और वहाँ पे आपको इसको देके आना है लड़की को। बाल कल्याण में परिवार को नहीं। कितनी देर से आप यहाँ पे पहुँचे? भैया हम तो सुबह आ गए थे 8:30 बजे। हम तो पहले तो पुलिस लाइन वहाँ गए, क्या ये थाने में गए, फिर चौकी में गए हैं और तब उसके बाद उन्होंने चौकी वालों ने भेजा हमें। हाँ हाँ, मुल्ले चक में भी गए थे हम इसके वहाँ पे। नहीं इसने वहाँ पे नहीं बताया, इसने यहाँ पे गौशाला है वहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम भीख मांगते थे जो भी है खाना लेते थे और यहाँ पे मैं खेलती भी थी। इधर का तो बता रही है, उधर तो इसने कुछ नहीं बताया है। सर अपना नाम दे। सर अपना नाम ही जानता था। अच्छा, एडवोकेट एम के शर्मा, बाल भलाई कमेटी अमृतसर। देखो अज हमने थोड़े देर पहला ही देहरादून पुलिस वालों एक लड़की साढ़े अगर प्रोड्यूस की गई है और लड़की की उम्र कोई 6 to 7 वरिया की लग रही है और इन्हों का आखना है पुलिस वाले का कि शी बिलोंगस टू अमृतसर, लेकिन अजे तक कोई वेरीफिकेशन नहीं हो सकी। सो ये मुतलक जितों तक बाल भलाई कमेटी का सवाल है, साडा मुख मंतव है कि असी इहो जे बच्चियां नूं केयर एंड प्रोटैक्शन जिहड़ी आ प्रोवाइड करनी है।
सो असी इहदी भाल इहदे पेरेंट्स की भाल करन दी अपने पूरे यतन करांगे। उहदे लई साडे कोल चाइल्ड लाइन भी है और साडे कोल होर भी कई सोर्सिज ने जिहदे राहीं असी कोशिश करांगे कि जल्द तो जल्द इहदे जिहड़े पेरेंट्स दा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੋਇਆ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਇਹਦਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ, 2 ਲੜਕੇ ਔਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਖੜ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਔਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਢਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੱਭ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।